जी हाँ गाइस, YouTube का यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा बेहतरीन अपडेट आ चुका है स्पेशली ब्लाइंड लोगों के लिए। क्या है ये अपडेट, कैसे काम करता है, सब कुछ जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहना। गाइस आज होली है तो आपको मेरी और मेरी पूरी फैमिली की ओर से हैप्पी होली। होली को जो आप इंजॉय कीजिए और हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप सूखी होली मनाएंगे जिससे आप पानी की बचत कर सके। पानी को बचाओ ताकि आगे वाली आने, भैया ज्ञान नहीं देना मेरे को, लेकिन गाइस प्लीज पानी बचाइए और सूखी होली मनाइएगा। गाइज यहाँ पर कल वीडियो अपलोड नहीं हो पाई क्योंकि मेरा कल एग्जाम था, तो उम्मीद आप समझेंगे, लेकिन आज हम आपको दो वीडियो देने की कोशिश करेंगे। तो आप 5 या 6 बजे नोटिफिकेशन चेक कर लीजिएगा, यूट्यूब में आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी। और गाइज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा यार, आज होली है तो हमको जरा खुश भी कर दो, और दूसरी वीडियो पर भी लाइक कर देना। तो आप पहली वीडियो की बात करते हो तो गाइज प्लीज लाइक कर देना यार, वीडियो को बिना लाइक किए मत जाना। आज दोनों ही वीडियोस पर बहुत ज़्यादा लाइक होने चाहिए, तो पहले ये वीडियो आई है तो लाइक करो यार प्लीज, एंड तक देखना सब कुछ जानने के लिए। लाइक कर दिया यार, कर दो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज यहाँ पर हम लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है यूट्यूब में। मान लीजिए कोई वीडियो चल रही है, उसको प्ले पॉज करने के लिए बहुत सारी समस्याएं आती है। सबसे पहला तो प्ले पॉज बटन, रिवाइंड फास्ट फॉरवर्ड बटन कभी कभी नहीं मिलते, क्योंकि जब भी हम वीडियो प्ले करते हैं हमारा डायरेक्टली कर्सर वीडियो प्लेयर पर आता है। अब वीडियो भी चल रही है, ऊपर से टॉकबैक की आवाज़ भी सुनाई देती नहीं है, तो मतलब कुल मिलाकर बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पर लगता है हमको। बहुत सारी समस्याएं आती है रिवाइंड फॉरवर्ड ढूंढने में, कभी कभी जल्दी करना होता है हमको लेकिन नहीं हो पाता है। तो अब यूट्यूब ने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा आसान कर दिया है। अब आपका जो रिवाइंड और फास्ट फॉरवर्ड वाला बटन है बहुत ज़्यादा आपको जल्दी मिल जाएगा, वो आपको जो वीडियो प्लेयर बटन आते हैं ना उसके बाद ही अब देखने को मिलेगा। मतलब कोई भी वीडियो चल रही हो, कितनी भी आवाज़ें तेज हो, आप बिना कुछ करे, बिना टॉकबैक की आवाज़ सुने भी इसको कर सकते हो। कैसे हो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले हम YouTube में चलते हैं और दिखाते हैं आपको किस प्रकार यहाँ पर इंटरफेस चेंज हुआ है। Stop Rhyme, YouTube. YouTube में चलेंगे और एक वीडियो मान लीजिए हमने प्ले की। Which videos kept playing when you get download offline? YouTube cancel 1 month free. No. Thank you. तो ये इसका इतने सीरियस टॉपिक के बारे में जिस प्रकार में आवाज अटक कर सीरियस फिर में बताया मैंने, पता भी लगा आपको मैंने कितनी जल्दी यहाँ पर फास्ट फॉरवर्ड प्ले कर लिया, कुछ पता चला आपको? बिना टॉकबैक की बात सुने मैंने किया। चलिए मान लीजिए हमने वीडियो प्ले की और यहाँ पर वीडियो प्लेयर डबल टैप टू शो कंट्रोल्स, आपका कर्सर वीडियो प्लेयर पर आया और अब वीडियो चल रही है बहुत तेज, आपको कुछ भी सुनाई नहीं दे। चलिए फिर से मैं दिखाता हूँ कमाल प्ले वीडियो। तो गाइस एक बहुत बड़ी न्यूज आ रही है, कल परसों हो गई आगे जैसे न्यूज, यूट्यूब है मेरे को पॉज करना चुका है। पॉज कर दिया मैंने, नहीं पता चला कुछ भी, ये कैसे हो रहा है? सिंपल सा, यहाँ पर वीडियो प्लेयर के बाद आपको क्या क्या ऑप्शन देखने को मिलते हैं बताता हूँ। वीडियो प्लेयर प्रीवियस वीडियो बटन डिसेबल, प्रीवियस वीडियो यानी कि जो प्ले पॉज नेक्स्ट प्रीवियस रिवाइंड फास्ट फॉरवर्ड ये सब जो मेन कंट्रोल्स होते हैं आपको वीडियो प्लेयर के बाद तुरंत देखने को मिलेंगे। प्रीवियस वीडियो रिवाइंड 10 सेकंड्स, रिवाइंड का बटन है, प्ले वीडियो बटन, प्ले वीडियो है, फास्ट फॉरवर्ड 10 सेकंड्स, फास्ट फॉरवर्ड है, उसके बाद मिनिमाइज का ऑप्शन आपको अब देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो बटन, सॉरी ऑटो प्ले एनेबल, नेक्स्ट वीडियो भी तो है, मिनिमाइज, मिनिमाइज ऑन कास्ट कैप्शन मोर ऑप्शन आइकन 0 minutes 14 seconds elapsed of 12 minutes 9 seconds double tap for remaining time। ये देखिए यहाँ पर अब आपको ये सब कुछ देखने को मिलेगा बाद में, लेकिन मैं ये मानता था कि एंटर फुल स्क्रीन वाला या 0 मिनट, ये जो यहाँ से हम कंट्रोल एडजस्ट करते हैं ये भी हमको नेक्स्ट वीडियो के बाद ही देखने को मिल जाता था कि बहुत आसानी होती। चलिए एंटर फुल स्क्रीन तो हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन एटलीस्ट ये सी कंट्रोल वाला भी अगर नेक्स्ट वीडियो के बाद देखने को मिलता तो बहुत आसानी हो जाती। एंटर फुल स्क्रीन, अब ये देखिए यहाँ पर आपको 0 मिनट सब कुछ वैसा देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि वीडियो प्लेयर के बाद ही अब आपको जो मेन कंट्रोल्स होते हैं वो देखने को मिल जाएंगे। अब मैंने आपको ये भी कहा था कि आप बिना टॉकबैक की सुने ही कर सकते हो, ये कैसे करना है मैं चलिए बताता हूँ। वीडियो प्लेयर पर कर्सर आता है आपका, ये आपको पता है, ठीक है, वीडियो आप प्ले करोगे वीडियो प्लेयर पर आएगा। अब जब भी आप 3 बार स्वाइप करोगे आगे, 1 2 3 रिवाइंड 10 सेकंड प्ले वीडियो बटन, सॉरी हुआ नहीं था एक बार बेइज्जती हो गई, चलिए दोबारा करते हैं 1 2 3 प्ले वीडियो बटन, 3 बार स्वाइप करते ही जो तीसरा स्वाइप आएगा वो प्ले वीडियो या पॉज वीडियो पर आएगा। तो सबसे पहले तो आपको प्ले और पॉज ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप 2 बार करते हो, मान लीजिए अभी वीडियो प्लेयर पर है, 2 बार करोगे तो रिवाइंड पर आएगा, यहाँ से आप रिवाइंड कर सकते हो, उसके बाद और 2 बार करोगे फास्ट फॉरवर्ड 10 सेकंड्स तो फास्ट फॉरवर्ड पर आएगा, लेकिन मेन जो है वो प्ले पॉज का है। तो अगर आपने प्ले पॉज ही अगर पॉज कर लिया तो रिवाइंड और फास्ट फॉरवर्ड इजिली कर पाओगे। तो आपको मैं क्या कहने जा रहा हूँ, वीडियो प्लेयर पर कर्सर आ गया मान लीजिए, अब 3 बार स्वाइप कीजिए 1 2 3 प्ले वीडियो, ये तो बिना टॉकबैक के सुने भी कर सकते हो ना, तो बस आपका प्ले पॉज बटन है, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है तीसरे स्वाइप पर, और ये आदत हो जाएगी, बस सिंपली आप प्ले पॉज कर लीजिए। यूट्यूबर्स है क्या, बस और कुछ भी नहीं करना आपको, मतलब आपको 1 सेकंड भी नहीं लगा है यहाँ पर किसी वीडियो को प्ले या पॉज करने में, ठीक है? तो यही मैं आपको उम्मीद है समझाना चाह रहा हूँ, समझ गए होंगे। स्टॉप रिकॉर्डिंग बटन,
जब भी कोई वीडियो आपकी चल रही हो, तीन बार आपको स्वाइप करना है, सीधा आपको पॉज वीडियो बटन मिलेगा और किसी बटन पर आपका कर्सर ही नहीं जाएगा, फिंगर ही नहीं जाएगा। तो अगर आपने एक बार पॉज करे तो रिवाइंड और फास्ट फॉरवर्ड तो आप कर ही सकते हो। नहीं तो पहले क्या होता था, मिनिमाइज, ऑटो प्ले, मोर ऑप्शन, चीजें याद भी नहीं रहती, पता नहीं क्या क्या आपको फालतू के ऑप्शन पहले ही देखने को मिलते थे, लेकिन अब वो बाद में कर दिए गए। तो ये मेरे को एक बहुत ज्यादा बेहतरीन लगा, ये जो इंटरफेस यहाँ पर चेंज हुआ है, ये एटलीस्ट हमारे तो बहुत काम का है। तो गाइज यही यहाँ पर यूट्यूब का अपडेट है जो मैंने आपको बताना था। तो अब आप मेरे को कमेंट करके बताइए कि आपको ये अपडेट और ये वीडियो कैसी लगी। उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा और अब आपको प्ले पॉज करने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। और वीडियो में लाइक कर देना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। सभी के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, स्पेशली ब्लाइंड लोगों के लिए। मैंने तभी लिखा है क्योंकि स्पेशली आपके बहुत काम की है। नॉर्मल लोग का तो क्या है, वो तो कर लेंगे, लेकिन हमारे लिए तो ये टॉकबैक के साथ एक्सेसिबल होना जरूरी था, इसलिए किया गया है। तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, ऐसी ही वीडियोज़ आपके लिए आती रहेंगी। व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग अबाउट पेज से जुड़ सकते हो फॉर्म भर के। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ये माटा क्यों रहा था भैया।